So this is the example based on dynamic memory allocation. In this case, total three different examples for the first example, example 2, example 3. Example 3 case mein just memory allocation perform kara using malloc. First case mein memory allocation directly assignment kara as a string array. In this case, aapko only consolidate karna hai logics of the fun functions. Means in sabhi cases mein almost agar aap main function ko check karo to main function ke andar sabhi cases mein logics kaise hain exactly same. Only difference मैंने क्या है किस case में provide किया in the form of body of fun function. First case में बात करें इस type के example में already discuss कर चुका हूँ. Suppose इस case में जैसे ही first program का execution start होगा तो सबसे पहले किसी program के respect में memory allocation local values create किस place from inside stack area plus local values के लिए memory space allocate कब होगा whenever execution control comes inside block. Just this is the stack memory. तो इसके साथ सबसे पहले main function call होगा. Main के respect में two local variables create होंगे p and q. Then p के respect में call किया होगा fun function. जैसे इसके साथ fun function call होगा. तो again stack के top में loading किसके लिए हो जाएगा fun function. This is the variables of main function. Next one allocation किसके लिए कराना just fun function. Fun function के केस में simply array create हुआ s. इस केस में s just create कहाँ होगा top of the stack. Clear? जस्ट इस केस में टोटल एस का साइज क्या है 6 बाइट्स. इस केस में 6 बाइट्स के मींस सपोज दैट ये सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है 1 बाइट. टोटल कितने ब्लॉक्स रिक्वायर्ड हैं इस टाइप के देयर आर 6 ब्लॉक्स. क्लियर. फाइनली लाइक दैट इस पर्टिकुलर केस में नेक्स्ट केस में 1 1 बाइट्स के ब्लॉक्स प्रोड्यूस कर रहा हूं. फर्स्ट केस में पॉइंटर्स है पॉइंटर का साइज क्या है 2 बाइट्स 96 एंड 95 94 93 92 and 91 and so on. Next case में simply एक array create हुआ s. इस array के case में number of elements कितने exactly 6 element. तो 6 element का block create हुआ इस array का name क्या है s. clear. then directly contents क्या आसान हुए hello h e l l o. then string terminate किस हुआ just null character. finally calling place पर written क्या हुआ s. s means array का base address means 91. इस केस में जस्ट रिटन किया वो 91. लेकिन इस केस में इंटरेस्टिंग केस क्या है आप इस केस में जस्ट रिटन क्या कर रहे हो जैसे इस केस में एग्जीक्यूशन कंट्रोल फंक्शन के अंदर एंड हुआ देन परफॉर्म किया हुआ जस्ट मेमोरी एलोकेशन फॉर गिवन एरे s. s का इस केस में जस्ट ऑटो वेरिएबल्स. सिमिलरली इसका डी एलोकेशन कब परफॉर्म हो जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर सेंड हुआ. जैसे ही कॉलिंग प्लेस पर एड्रेस सेंड हुआ एड्रेस तो रिसीव हो जाएगा मींस फन फंक्शन के अकॉर्डिंग रिटन किया हुआ 91. p में कैसा हो जाएगा पॉइंटर p के केस में स्टोर किया हुआ जस्ट 91. ठीक है 91 में से p तो इस लोकेशन को पॉइंट कर लेकिन जस्ट रिटर्न होने के जस्ट बाद ये लोकेशन कैसा है लोकेशन बिकम्स दिस लोकेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल मींस डी एलोकेटेड. देन डी एलोकेशन के जस्ट बाद इस प्लेस पर कौन सा वैल्यू अवेलेबल इसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल मींस कंसीडर करो एज सम गार्बेज और अननोन वैल्यूज मींस अननोन वैल्यूज. देन इस केस में आउटपुट क्या डिस्प्ले हो सम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मींस इस केस में फाइनली प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहेगा some garbage results in both times. clear. इस टाइप का बिहेवियर ऑलवेज मैं ऑलरेडी मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. इस केस में जस्ट आउटपुट इंपॉर्टेंट केस नहीं प्रोसेस इंपॉर्टेंट केस है. प्रोसेस में जस्ट क्या जैसे इस केस में जस्ट आप रिटर्न क्या करा रहे हो ऐसे ब्लॉक का एड्रेस नहीं हो रहा जो एड्रेस रिटर्न होने के जस्ट बाद डी एलोकेशन परफॉर्म हो रहा मीन्स दिस मेमोरी लोकेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल. क्लियर. सेम है सेकंड केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट टू सॉल्यूशन है. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन दिस इज सेकंड सॉल्यूशन. फर्स्ट सॉल्यूशन को चेक करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट वन सेकंड सॉल्यूशन. देन अगेन चेक करें व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन और एग्जांपल टू. एग्जांपल टू के रिस्पेक्ट में बात करें जस्ट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट के बाय यूजिंग डिक्लेयरिंग दिस एरे एज स्टैटिक. रिमेनिंग कोड कैसा एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस ओनली इस केस में एरे का टाइप क्या है जस्ट स्टैटिक. तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के केस मैंने आपको बताया था स्टैटिक वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर अवेलेबल कब तक रहेंगे परमानेंटली. परमानेंटली मीन्स जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है प्लस एलोकेशन बिगिनिंग में परफॉर्म हो जाएगा. जैसे इस केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इस केस में जस्ट एरे क्रिएट कहाँ हुआ इनसाइड डेटा एरिया. प्रीवियस केस में एरे कहाँ क्रिएट हुआ था इनसाइड स्टैक. लेकिन इस केस में एरे इटसेल्फ कहाँ क्रिएट हुआ इनसाइड डेटा एरिया. मीन्स जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन परफॉर्म दिस इज सम डेटा एरिया मेमोरी. इस एरे के रिस्पेक्ट में जस्ट बाइट्स कितने एलोकेट होंगे 6 बाइट्स ब्लॉक ऑफ 6 बाइट्स. क्लियर. नेक्स्ट वन अगर इस ब्लॉक का बेस एड्रेस 100 है नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या 101231 04 105. ये सभी मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन बिगनिंग में ही ऑलरेडी एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है प्लस इस प्लेस पर आसानी क्या हो जाएगा कंटेंट्स हैलो देन नल कैरेक्टर्स. क्लियर.
enclosed inside single quotes. देन फाइनली इस कंप्लीट एरे ब्लॉक का नेम क्या है, जस्ट एस. इसके जस्ट बाद कॉल क्या हुआ, मेन फंक्शन. फर्स्ट केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन फॉर दैट वेरिएबल्स. बस याद रखना स्टैटिक वेरिएबल का एलोकेशन होल लाइफ ओनली वन टाइम एलोकेशन परफॉर्म इस फंक्शन का. वन टाइम कॉल करो या 10 times कॉल करो, एरे कितनी बार क्रिएट हो, ओनली वंस, मीन्स बिगिनिंग. देन मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग जस्ट क्रिएट क्या करेंगे, स्टैक डायग्राम. स्टैक के अकॉर्डिंग जस्ट परफॉर्म क्या कराएं, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल्स. टू पॉइंटर वेरिएबल्स क्रिएट किए, पी एंड क्यू. पी क्यू का आप कोई भी एड्रेस अज्यूम कर सकते हो, समथिंग 200, 198 एंड सो ऑन. फर्स्ट केस में फन फंक्शन कॉल होगा, फन फंक्शन के कॉलिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल का सेंड होगा हेडर ऑफ फन. देन स्टैक के टॉप में लोड क्या हो जाएगा, जस्ट फन फंक्शन. फन फंक्शन लोड होगा इस केस में, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी में से एरे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. एस के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ इसका बेस एड्रेस विच इज 100. देन कॉलिंग प्लेस पर सेंड किया हुआ एड्रेस, कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न किया हुआ 100. लेकिन जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर वापस आया उस केस में डी एलोकेशन ओनली फन फंक्शन के लिए हो, लेकिन अभी भी एरे कैसा एग्जिस्टिंग क्लियर, एरे के लिए कोई डी एलोकेशन परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं. प्लस पी के केस में सेंड क्या हो जाएगा, जस्ट एरे का बेस एड्रेस. फाइनली पॉइंटर वैल्यू पी इस लोकेशन को पॉइंट करेगा. नेक्स्ट वन अगेन कॉल किया फन फंक्शन. फन फंक्शन अगेन कॉल हुआ तो फिर से कंट्रोल का आया इनसाइड ब्लॉक. क्लियर, ब्लॉक के अंदर आ गया तो वेरिएबल एरे ऑलरेडी क्रिएटेड डायरेक्टली अगेन रिटर्न क्या हुआ, एस. तो एस के केस में अभी भी एरे का बेस एड्रेस क्या 100. तो नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम अगेन का रिटर्न होगा सेम एड्रेस और डिफरेंट एड्रेस, सेम एड्रेस. तो क्यू के केस में भी कैसा हो जाएगा सेकंड टाइम, ऑल्सो 100. क्लियर, इस केस में जस्ट प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना, इस केस में कोई डी एलोकेशन परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं. मीन्स आपके लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिस्प्ले कराना और ऑब्जर्व करना पॉसिबल. देन फाइनली डिस्प्ले क्या करा, पोर्ट्स पी, पी के प्लेस पर क्या पास हुआ 100. देन 100 ऑनवर्ड्स स्ट्रिंग डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए, डिस्प्ले क्या हो जाए, जस्ट मैसेज एज हेलो. सेकेंड केस पोर्ट्स क्यू, अगेन क्या पास होगा 100, डिस्प्ले क्या हो जाए, अगेन हेलो. लेकिन इस केस में ऑब्जर्व करो, दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन. दोनों ही पॉइंटर के अंदर सेम एड्रेस स्टोर है 100 100, इसलिए पॉइंट क्या करेंगे, सेम मेमोरी लोकेशन. इसे सेम मेमोरी लोकेशन के रिस्पेक्ट में पॉइंटर्स कैसे हैं, जस्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट अगर आप सपोज दैट इस प्लेस पर जस्ट मैंने असाइन किया पी ऑफ जीरो इक्वल्स टू नल. पी ऑफ जीरो मीन्स फर्स्ट प्लेस. इस फर्स्ट प्लेस पर जस्ट एच के प्लेस पर क्या असाइन हो जाएगा, नल. इस असाइनमेंट किसके थ्रू करा है, पी के थ्रू. तो पी के केस में तो कुछ भी प्रिंट होगा ही नहीं, मीन सेकंड केस में नो आउटपुट. क्लियर, सेम एज क्यू के केस में भी पास करो तो क्यू केस में क्या पास होगा 100, और 100 ऑनवर्ड्स क्या फाउंड हो रहा है, नल. तो सेकंड केस में क्या डिस्प्ले होगा, नो आउटपुट. मीन्स फाइनली इस केस में पॉइंटर्स कैसे हैं, जस्ट डिपेंडेंट. जबकि फिर दोनों ही केसेस में सेपरेट फंक्शन कॉलिंग परफॉर्म, तो दोनों के लिए मेमोरी एलोकेशन भी कैसे होना चाहिए, सेपरेट. मीन्स स्टैटिक के केस में जस्ट लिमिटेशन क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में सेम मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स के थ्रू शेयर हो रहा है, सेपरेट मेमोरी क्रिएट हुआ, सेम मेमोरी ब्लॉक शेयर हो रहा है. क्लियर, इससे सेम मेमोरी के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर पॉइंटर वैल्यूज कैसे हैं, डिपेंडेंट टू ईच अदर. इस केस में जस्ट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगेन जनरेट होना पॉसिबल. लेकिन इस केस में जस्ट कोई मेमोरी डी एलोकेशन परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं. इसे मेमोरी होल लाइफ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस केस में एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट कॉलिंग के अकॉर्डिंग सेपरेट मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल. मीन अभी तो जस्ट सिंपल प्रॉब्लम है. अगर डेटा स्ट्रक्चर लेवल पर आप ऑब्जर्व करो, सपोज दैट लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, लिंक लिस्ट के लिए आपने इस फन फंक्शन के प्लेस पर कोई फंक्शन क्रिएट किया, समथिंग क्रिएट. और इस फंक्शन का सपोज दैट लॉजिकली इसका वर्किंग क्या है, यू वांट टू क्रिएटिंग एवरी टाइम न्यू नोड. इस लिंक लिस्ट में इंसर्ट कराने के लिए जस्ट एवरी टाइम रिक्वायर्ड करो समथिंग न्यू नोड. न्यू नोड क्रिएट करने के लॉजिक मैंने सेपरेट फंक्शन अगर प्रोवाइड कर रखे लाइक दैट, तो इस केस में एवरी टाइम न्यू नोड क्रिएट होगा सेम नोड का एड्रेस रिटर्न होगा, एवरी टाइम सेम नोड का एड्रेस रिटर्न होगा. मीन आप इस फंक्शन को 1 time कॉल करोगे 1000 times. लिंक लिस्ट के अंदर लॉजिकली ओनली कितने नोड एग्जिस्ट करेंगे, ओनली सिंगल नोड. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इन गिवन केस. देन इस प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, परफॉर्मिंग मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मैलॉक फंक्शन इन प्लेस ऑफ स्टैटिक और ऑटो. क्लियर, प्रीवियस केस में आपने जस्ट एग्जाम्पल 2 में ऑब्जर्व किया मेमोरी एग्जिस्टेंस होल प्रोग्राम में अवेलेबल था, लेकिन एवरी टाइम सेम मेमोरी शेयर हो रहा था. सेकेंड केस इन दैट केस मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग जस्ट क्रिएट किया होंगे लोकल वेरिएबल्स. जस्ट इस केस में सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स के रिगार्डिंग में क्रिएट किया करूँ स्टैक डायग्राम. दिस इज स्टैक डायग्राम हैविंग 2 2-byte blocks. इसे एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है, जस्ट 2 bytes, लाइक 100 98 96 94 92 एंड सो ऑन. सबसे पहले क्रिएट कॉल किया हुआ मेन फंक्शन, मेन के अंदर 2 pointers क्रिएट हुआ पी एंड क्यू एज अ लोकल वेरिएबल. फर्स्ट टाइम कॉल किया हुआ फन फंक्शन, फन के केस में सिंपली एस क्या क्रिएट हुआ एज अ पॉइंटर. दिस इज द लोकल वेरिएबल ऑफ मेन
नेक्स्ट टाइम एस क्या पॉइंटर वैल्यू, लेकिन एस पॉइंटर किसके अंदर क्रिएट हुआ, इनसाइड फन फंक्शन, मीन्स जस्ट कॉल क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन किसका चल रहा है, फन का। देन मैलॉक फंक्शन के थ्रू जस्ट 6 byte क्रिएट होंगे, या 6 byte के ब्लॉक का जस्ट मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होगा। सपोज दैट इस ब्लॉक के किस में ब्लॉक का साइज क्या है, जस्ट 6 byte, ब्लॉक का बेस एड्रेस मैं खुद से एज्यूम कर रहा हूँ एज अ 200। आप कोई भी एड्रेस एज्यूम कर सकते हो, जनरली स्टैक का एड्रेस ऑलवेज हीप के एड्रेस से ग्रेटर होगा, क्लियर। तो इस केस में आपको स्मॉलर एड्रेस लेना चाहिए। अगर इस प्लेस में 1000 यूज़ कर रहा हूँ, 998, 996, लाइक दैट, जस्ट इसी को रख लेते हैं। 200, 202, 20, कैरेक्टर्स के फॉर्म में एलोकेशन 201, 202, 203, 204, 205, में 6 byte का ब्लॉक एलोकेट हुआ। देन इसके जस्ट बाद सेकंड केस में फाइनल स्पेस पर मैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटिव ब्लॉक का एड्रेस विच इज 200 है, यानी किस में जाएगा पॉइंटर एस, एस में कैसा हो जाएगा 200। नाउ एस इज पॉइंटिंग दैट लोकेशन। इनिशियली इस ब्लॉक के केस में स्टोर किया जस्ट गार्बेज वैल्यू। वन मोर थिंग्स, मैलॉक के मीन से अगर आपने स्टैटिक वैल्यू मीन से स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके डिक्लेरेशन पार्ट की तरह इसका एग्जिस्टिंग का एग्जिस्टेंस कब तक रहता है, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। सिमिलरली अगर मैलॉक के थ्रू अगर आपने कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट कराया है, यानी ये मेमोरी ब्लॉक एग्जिस्ट कब तक करेगा, टू केस होंगे, या तो जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चला है, या फिर जब तक आपने सेपरेटली या मैनुअली फ्री फंक्शन के थ्रू डी एलोकेशन परफॉर्म नहीं करा। तो इस प्रोग्राम में मैंने कहीं भी फ्री फंक्शन को कॉल नहीं किया, इसका मतलब ये ब्लॉक कब तक एग्जिस्ट रहेगा, होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, क्लियर। सेकंड केस में जस्ट कॉल किया रहा है strcpy बाई, फर्स्ट आर्गुमेंट में एस के प्लेस पर क्या पास हुआ, एस में कैस्ट हो रहा है 200, क्लियर। तो इस प्लेस पर पास क्या हुआ 200, इसे पर्टिकुलर कंटेंट्स कॉपी किसमें हो जाएंगे, गिवन एड्रेस ऑन बोर्ड्स, मीन्स 200 ऑन बोर्ड्स जस्ट कॉपी किया जाएगा कंटेंट्स एज हेलो, क्लियर। नेक्स्ट वन, देन टर्मिनेट किससे हुआ, जस्ट नल। फाइनल स्पेस पर कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एस, और एस में कैस्ट हो रहा है 200, कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ, जस्ट 200। देन फाइनली 200 आसानी किसमें हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल पी, पी में क्या आसान हो रहा है, जस्ट मेमोरी एड्रेस एस 200। चेक करो जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर वापस आएगा, यानी उस केस में जस्ट पॉइंटर वेरिएबल एस के लिए डी एलोकेशन परफॉर्म हो चुका हुआ, क्लियर। इस ओनली अभी भी मेन सॉरी स्टैक में फाउंड क्या हो रहा है, जस्ट मेन फंक्शन प्लस ए पॉइंटर वेरिएबल डी एलोकेट हो चुका है, इसलिए अब एरे एस के थ्रू कहीं पॉइंट हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन डी एलोकेशन से जस्ट पहले सेम एड्रेस कॉपी किसमें हो चुका है, जस्ट पॉइंटर पी में। तो सेम मेमोरी ब्लॉक अब पॉइंट किसके थ्रू होगा, पी के थ्रू, क्लियर। मीन्स इस केस में स्ट्रिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से कॉल हुआ है फन फंक्शन, फन फंक्शन अगेन सेकेंड टाइम कॉल होगा, तो फिर से स्टैक के टॉप में लोड क्या हो जाएगा, फन फंक्शन, क्लियर दैट वन। देन फन के रिस्पेक्ट में अगेन लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा या पॉइंटर वेरिएबल एस, एस के एस केस में ऑटो वेरिएबल, इसलिए एस इटसेल्फ कहाँ क्रिएट होगा, इनसाइड स्टैक। प्लस जब कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड होता है, डी एलोकेशन किसके लिए, ओनली फॉर एस, नॉट फॉर मेमोरी ब्लॉक और बफर। सेकेंड टाइम अगेन मेलॉक फंक्शन कॉल हो रहा है, मेलॉक के केस में पास किया हुआ 6, तो नेक्स्ट टाइम मेलॉक फंक्शन के थ्रू अगेन 6 byte का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा, ठीक है। चेक देन इस केस में न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ, तो उसका एड्रेस कैसा हुआ, डिफरेंट, वी आर एज्यूमिंग एज 300, 301, 302, 303, 304 एंड 305। देन अगेन strcpy के थ्रू पास किया रहा है एस, सॉरी जब ये ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा इस प्लेस पर मैलॉक रिटर्न क्या करेगा, न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक का एड्रेस विच इज 300 कॉपी किसमें होगा, अगेन पॉइंटर वेरिएबल एस, नाउ एस इज पॉइंटिंग दैट ब्लॉक। इनिशियली इस ब्लॉक में क्या जस्ट गार्बेज वैल्यू, देन strcpy में एस के प्लेस पर क्या पास होगा 300, देन नेक्स्ट टाइम हेलो कंटेंट्स कॉपी किसमें होंगे, न्यू लोकेशन 300, देन इस प्लेस पर आसान क्या होगा, जस्ट हेलो, क्लियर। That is next one. इसके जस्ट बार कंटेंट्स कॉपी होने के बाद रिटर्न क्या, रिटर्न एस, और करंटली एस में कैस्ट हो रहा है न्यू ब्लॉक का एड्रेस 300, तो कॉलिंग प्लेस पर नेक्स्ट टाइम क्या रिटर्न होगा 300, तो 300 आसानी किस में हो जाएगा, क्यू में, क्लियर। लेकिन जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आएगा देन परफॉर्म क्या होगा, डी एलोकेशन फॉर एस और फन फंक्शन, देन फन फंक्शन से रिलेटेड जितने भी लोकल वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स डी एलोकेट हो जाएंगे, लेकिन इस ब्लॉक का एड्रेस किसके पास है, क्यू के पास, क्यू किसको पॉइंट करेगा, अगेन न्यू स्ट्रिंग। चेक कर सकते हो इस केस में, प्रीवियस केस में एग्जांपल 2 के केस में आपने ऑब्जर्व किया होगा,
फन फंक्शन टू टाइम कॉल किया था, लेकिन टू टाइम फन फंक्शन ने सेम एड्रेस रिटर्न किया था 100 100। आप एक बार इस वीडियो को बैक करके चेक कर सकते हो, फाउंड किया होता 100 100। मीन्स इस केस में प्रीवियस केस में स्ट्रिंग टू टाइम्स क्रिएट हुआ था ओनली वन टाइम, लेकिन इस केस में स्ट्रिंग के लिए न्यू मेमोरी एलोकेशन एवरी टाइम परफॉर्म। अगर आप इस फंक्शन को 10 टाइम कॉल करोगे यानी एलोकेशन भी कितनी बार परफॉर्म होगा 10 टाइम, चेक कर सकते हो। इस केस में पॉइंटर्स केस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बिकॉज पी के पास सेपरेट लोकेशन का एड्रेस और क्यू के पास सेपरेट लोकेशन का एड्रेस है। अगर पी में कोई चेंजेस कर दिया, पी के थ्रू कोई चेंजेस करो, तो चेंज किस में 200 onwards, लेकिन इससे क्यू कभी भी अफेक्ट होगा क्या? नहीं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस सेपरेटली बाय यूजिंग मैलॉक। जब भी आपको एवरी टाइम न्यू मेमोरी ब्लॉक रिक्वायर्ड है, देन आप स्टैटिकली वेरिएबल क्रिएट नहीं करके इसको क्रिएट कराओगे बाय यूजिंग मैलॉक और कैलॉक फंक्शन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस। क्लियर? इस केस में जस्ट नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले किया पुट्स पी, पी में क्या स्टोर है 200, तो स्ट्रिंग किस प्लेस से डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा? फ्रॉम 200 onwards। तो 200 onwards का फंड रेस्ट कंटेंट साइज हेलो, मीन्स दोनों स्ट्रिंग में कंटेंट सेम है, लेकिन दोनों स्ट्रिंग के केसेस में जस्ट सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। दिस इज द बेस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग लिंक लिस्ट और ट्री और डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि लिंक लिस्ट के केस में सपोज दैट फन फंक्शन के प्लेस पर आपने कॉल क्रिएट किया सम क्रिएट फंक्शन, उस क्रिएट फंक्शन के थ्रू अगर आप एवरी टाइम न्यू नोड क्रिएट करना चाहते हो, देन बार बार न्यू नोड के लिए न्यू मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होगा, ना कि सिंगल। इस केस में एवरी टाइम न्यू ब्लॉक क्रिएट कराना पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट वन पोर्ट्स क्यू, क्यू में क्या स्टोर है 300 और 300 ऑनवर्ड्स भी क्या फाउंड हो रहा है? ऑल्सो सेम स्ट्रिंग। तो इस केस में सेकंड केस में पोर्ट्स के थ्रू क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ऑल्सो हेलो। सपोज दैट इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस के बाद मैंने राइट डाउन किया पी जीरो इक्वल्स टू नल, सेम एज प्रीवियस केस। अगर पी जीरो में नल असाइन किया है, देन पी जीरो मीन्स पी में क्या स्टोर 200 के फर्स्ट एलिमेंट में क्या असाइन हो जाएगा? जस्ट नल कैरेक्टर। चेक करो जब पी जीरो में असाइनमेंट किया तो इससे क्यू जीरो अफेक्ट हुआ है क्या? नहीं। अगर आप इस केस में क्यू डिस्प्ले कराओ तो क्यू के अंदर अभी भी क्या फाउंड हो रहा है? ऑल्सो हेलो। क्लियर? इस प्रीवियस केस में आपने देखा था क्या डिस्प्ले हो रहा था? नो आउटपुट, लेकिन इस केस में क्या डिस्प्ले हो? हेलो। लेकिन इससे अफेक्ट कौन हुआ है? ओनली पी। पी डिस्प्ले कराओगे अगेन, पी के केस में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर?